हेलो व्यूअर्स, आज हम हरी धनिया की चटनी बनाएंगे और ये बिना लहसुन प्याज के है। ये व्रत की चटनी है, आप इसको कोई भी व्रत में यूज़ कर सकते हैं। इवन नवरात्रि व्रत आते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है। इसमें मैंने हींग नहीं डाला क्योंकि नवरात्रि या व्रत में कई लोग हींग नहीं खाते। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप 1/4 टीस्पून हींग डाल लीजिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग। इसके लिए मैंने 50 ग्राम हरा धनिया, 1/4 कप वाटर, 4-5 क्यूब्स आइस, 1 टीस्पून सॉल्ट, 4-5 ग्रीन चिलीज, 1/2 टीस्पून चॉप जिंजर, 1/2 टीस्पून ऑयल एंड लेमन जूस लगेगा हमें। हमें 1/1 साइज चीज़ डालेंगे। मैंने सॉल्ट डाल दिया 1 टीस्पून। हमें 4-5 क्यूब्स बर्फ की डाल रही हूँ, आइस क्यूब्स, 1/2 टीस्पून चॉप जिंजर, 4-5 ग्रीन चिलीज, ये अराउंड 3-4 टीस्पून मैंने लेमन जूस डाल दिया है। ये सारा चॉप्ड हरा धनिया जाएगा। ये वॉश्ड है, क्लीन है। ये 50 ग्राम्स लिया मैंने हरा धनिया। ये 1/4 कप वाटर जाएगा। फ्रेंड्स रेडी है, अभी 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। आपको थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो आप 1/4 से थोड़ा सा कम करके 3 टेबलस्पून वाटर ले लीजिए और ये आपकी चटनी बिल्कुल रेडी है। सब कुछ एक्यूरेट है फ्रेंड्स। आप पहले लेमन जूस और सॉल्ट थोड़ा लेसा साइड ही डालिए, सबका अपना अपना फ्लेवर होता है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें खट्टापन, नमक, एवरीथिंग इज वेल मस्ट। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।